हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में लंबे समय से शास्त्री पद के परिणाम घोषित नहीं होने पर अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और इसी के चलते दर्जनों अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय में पहुंचकर जल्द परिणाम घोषित करने की गुहार लगाई है। साथ ही अभ्यर्थियों ने चयन आयोग को चेताया है कि अगर जल्दी परिणाम नहीं निकाला जाता है तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय में पहुंचे प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों ने आयोग सचिव जितेंद्र कंवर को ज्ञापन सौंपा और जल्द परिणाम घोषित करने के लिए मांग की है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम लंबे समय से लटकाया गया है, जिसे जल्द निकाला जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि शास्त्री परीक्षा से पहले के सारे परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इसी के चलते सचिव से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि परिणाम के बारे में हर बार 10-12 दिनों का ही समय दिया जा रहा है और अगर इस बार भी परिणाम नहीं निकाला जाता है तो मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं विजय कुमार, हमने यहाँ पे संस्कृत का एग्जाम दिया होता है हिमाचल का, तो उसका रिजल्ट काफी दिनों से नहीं आ रहा है, तो उसके चलते सरकार ने हमारे से जो पहले थे रिजल्ट थे वो भी दे दिए, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उसके चलते हम यहाँ पे चयन आयोग हमीरपुर में आए हुए हैं कि ताकि हम सेक्रेटरी से मिलके इसका रिजल्ट का पता करें कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है। तो उस रिजल्ट के मद्देनजर हम वहां से सेक्रेटरी से मिले हैं अभी, तो सेक्रेटरी साहब जो जितेंद्र कंवर जी हैं उन्होंने कहा है कि 10-12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले भी जब भी हम कॉल करते थे तो वो यही कहते थे कि 10-12 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट, एक हफ्ते के अंदर या जब भी करते हैं ऐसा ही बोलते हैं वो। तो हमें इस पे अभी 10-15 दिन बाद नहीं रिजल्ट, अगर रिजल्ट नहीं आता है 10-15 दिन के बाद तो फिर हम कोई और कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो हमसे हो पाएगी, धरना इत्यादि, तो हम यहाँ पे जरूर देंगे वो। ये हमारा शास्त्री बेरोजगार संघ का एक सोच है और एक मंतव्य संकल्प है। वहीं आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का कहना है कि शास्त्री पद के लिए फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाया है। उन्होंने बताया कि बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 15 नंबर देने का शिष्य बना हुआ था और सरकार से आज ही इस बारे में जवाब आया है और आगामी 15 दिनों में परिणाम निकाल दिया जाएगा। इश्यू यही है कि फाइनल रिजल्ट जो है अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं हो पाया है, जबकि इनका जो फाइनल राउंड का 15 मार्क्स का इवेल्युएशन प्रोसेस है वो फरवरी माह में संपन्न हो चुका है। तो इस विषय में जब हम यह रिजल्ट कंपाइल करते हैं तो तरह तरह के इश्यूज हमारे पास आते हैं। इसमें एक इश्यू यह भी था कि बाहर के राज्यों के एप्लीकेंट्स है, क्या उनको जो है वो 15 नंबर में से अलग अलग जो नंबर रखे गए हैं, जैसे लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट के, इस तरह के सर्टिफिकेट्स के नंबर उनको दिए जाने हैं या नहीं दिए जाने हैं, तो उसके बारे में क्लेरिफिकेशन आज सरकार से हमारे को प्राप्त हो गया है और इस क्लेरिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट अगले 10-15 दिन में जो है वो उसके कमीशन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर दी जाएगी। सर्टिफिकेट के बारे में अभी तक जो इन्होंने मेरे से बातचीत की है उसमें रिटर्न की फॉर्म में हमारे को कुछ नहीं दिया है, पर जो इश्यूज है वो हमने इनसे वर्बल डिस्कशन के साथ एड्रेस कर दिए हैं। अगर ये चाहेंगे कि इसमें कोई लिखित तौर पे हमारे से कोई बात रखते हैं, जैसा कि इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि जो भी इश्यूज थे, जैसे बीएड के मार्क्स लगने हैं या नहीं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उसको हमने कमीशन के समक्ष रखा था और कमीशन ने जो है उसके ऊपर उचित निर्णय लेते हुए हमारी इवेल्युएशन टीम्स ने उसी तरह कार्रवाई की है। अगर इस विषय में भी इनके कोई ऐसे इश्यू है जिससे किसी का कोई मेरिट अफेक्ट होता है या कोई और भी इश्यूज है तो वो हमारे को लिखित रूप में देंगे, तो उसको कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा आगामी आदेश के लिए।